थोड़ियर क्वेश्चन सीरीज़ के आज की इस सेशंस में हम लोग जो है प्रोफेशनल प्रैक्टिस लॉ एंड एथिक्स में यहाँ पे बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कितने तरह के होते हैं, उसका क्या एडवांटेज है, क्या प्रोसेस है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग जो है आज की इस सेशंस में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट्स है किसी भी दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ के बीच में। हो सकता है कि उसमें आपका कोई चीज़ें परचेज करना हो या आप किसी को सर्विस दे रहे हो, है ना, या तो मैंने गुड्स हो या सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए दो पार्टीज़ या दो से ज़्यादा पार्टीज़ के बीच में एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है, उसी को कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट दे जो है एग्री करता है परफॉर्म और रिफ्रेन फ्रॉम परफॉर्मिंग सर्टेन एक्शंस वही सर्विस और गुड्स। कॉन्ट्रैक्ट्स आर यूज्ड इन मेनी डिफरेंट कंटेस्ट, अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग तरीके से जो है कॉन्ट्रैक्ट यूज किए जाते हैं, जैसे बिजनेस एग्रीमेंट्स, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, रेंटल एग्रीमेंट। तो अलग अलग आपके जो है पर्पसेस के बेसिस पे आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात किया जाए तो पहला टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में रिटेन और वर्बल एग्रीमेंट्स होते हैं जिसमें टर्म्स और कंडीशन जो है साफ तौर पे लिखा हुआ रहता है और जितने भी पार्टीज़ होते हैं जिसके बीच में एग्रीमेंट्स होते हैं वो पार्टीज़ अगर उस टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करते हैं या उसको पूरा कर सकते हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करते हैं। अदरवाइज कहते हैं कि भाई इसमें चेंज करो तब हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं चेंज करोगे तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दूसरा आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो है आपका इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी एक्सप्लिसिटली स्टेटेड बट इन इम्प्लाइड बाय द कंडक्ट ऑफ पार्टीज और सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग द एग्रीमेंट। मतलब जो भी आपके सराउंडिंग है उसमें कोई जो है ये पार्टीज़ के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, है ना। एग्रीमेंट के दौरान भी ऐसा नहीं है कि एग्रीमेंट कर लिए फिर भी जो है लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं कि नहीं भाई तुम कॉन्ट्रैक्ट गलत कर लिए, तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है होना चाहिए। उसके बाद है यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट वैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एग्रीमेंट जो होता है एक पार्टीज़ को प्रॉमिस कर लिया जाता है कि भाई हम जो है ये काम करने वाले हैं, तुम हमें ये चीज़ ये सर्विस या ये गुड्स जो है प्रोवाइड्स कर दो। तो सिर्फ एक पार्टीज़ को ही जो है बोला जाता है तो वो यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। उसके बाद आता है बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट जो होते हैं दोनों पार्टीज़ जो है करता है, है ना। यहाँ पे क्या है यूनिलैटरल में सिर्फ एक पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है कि हाँ भाई आपने ये बोल दिया तो हम आपको ये सामान दे देंगे, लेकिन बायलैटरल में क्या है कि भाई दोनों पार्टी जो है कहता है कि नहीं दोनों लोग कॉन्ट्रैक्ट करो। मान लिए कि हम अगर आपको टाइम पे दे दिए तो हमको ये बेनिफिट होना चाहिए, अगर टाइम पे नहीं दे दिए तो ये हमारा लॉस होगा, आप अपना बताइए कि आप हमारे लिए क्या करेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें जो है आपकी होती है, मैंने दोनों पार्टीज़ जो है मतलब वादा करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट में जो होते हैं जितने भी पार्टीज़ होते हैं जो भी ऑब्लिगेशंस हुए, मान लीजिए कोई एग्रीमेंट किया जा रहा है उस एग्रीमेंट में कोई ऑब्लिगेशंस है तो वो जो है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है उसको बताते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ें हैं। उसके बाद है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि वन और मोर पार्टीज जो होते हैं वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं उसके जो भी ऑब्लिगेशंस होते हैं एग्रीमेंट्स में, उसको मैंने जो भी एग्रीमेंट्स में बोले कि हाँ भाई हमको जो है टेबल और बेंच चाहिए तो टेबल और बेंच ला कर दे दिए तो वो फुलफिल हो गया, तो वो उसको क्या कहते हैं एग्जीक्यूटेड। और एग्जीक्यूटरी जो उसमें फुलफिल कर ही नहीं रहा है, वादा किया कुछ और एग्रीमेंट में और काम कर रहा है कुछ और, है ना, तो वो चीज़ आपका यहाँ पे हो गया। बात किया जाए एडवांटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की तो सबसे पहला एडवांटेज है क्लैरिटी।
भाई जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो आपको जो है क्लैरिटी मिल जाता है कि हमारी ये पार्टी जो है हमें ये प्रोडक्ट्स या ये सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, ऑन द टाइम प्रोवाइड करेगी, किसी तरीके का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई लड़ाई झगड़ा हमारा नहीं होगा, उसको रोकता है, यानी क्लैरिटी प्रोवाइड करता है कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद दूसरा एडवांटेज है लीगल प्रोटेक्शंस। भाई जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो आप कानून से बंध जाते हैं, आपको लीगली राइट होता है कि आप उस पर क्लेम कर सकते हैं कि भाई क्योंकि मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, आपके साथ बॉन्डिंग शेयर किया है, एग्रीमेंट बनाया है, तो आप पूरा फुलफिल कीजिए, अदरवाइज फाइन पे कीजिए। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कॉन्ट्रैक्ट, कैन बी कस्टमाइज टू मीट अ स्पेसिफिक नीड ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व, अलाउइंग फॉर फ्लेक्सिबल इन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट, है ना, मतलब जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है एग्रीमेंट का उसमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। मान लो कि कोई पार्टीज है जिसको लगता है कि नहीं ये टर्म्स एंड कंडीशन कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट लग रहा है, तो उसको जो है बोलता है कि भैया इसको जो है चेंज कीजिए, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट जो है हमें अकाउंटेबिलिटी भी प्रोवाइड कराती है। कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क फॉर अकाउंटेबिलिटी, मेकिंग इट ईजियर टू होल्ड पार्टीज रिस्पॉन्सिबल इफ़ दे फेल फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन अंडर एग्रीमेंट। मान लो कि कोई एग्रीमेंट किया, अब उस काम को पूरा वो कर नहीं रहा है, तो आसानी से उससे जो है फाइन लिया जा सकता है, पेनल्टीज ली जा सकती है, तो इसमें अकाउंटेबिलिटी का फ्रेमवर्क जो है हमें ये प्रोवाइड करता है। प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंट्स की बात किया जाए कि कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं इन क्रिएशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो दे में इंक्लूड नेगोशिएशन। नेगोशिएशन में क्या होता है कि पार्टीज मे नेगोशिएट द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर इट इज़ फाइनलाइज, यानी फाइनली कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले, एग्री करने से पहले नेगोशिएट करता है, मतलब बातचीत करता है, कुछ चेंजेस वगैरह करवाना चाहता है तो वो नेगोशिएट कर सकता है, ठीक है, मतलब बातचीत करता है। ड्राफ्टिंग, अ कॉन्ट्रैक्ट मे ड्राफ्टेड बाई अ अटर्नी और अ पार्टी टू द एग्रीमेंट, है ना, जो भी एग्रीमेंट हो रहे हैं उसके जो भी अटर्नी है, मतलब जिसके पास ज़्यादा अधिकार है, वो एक डॉक्यूमेंटेशन जो है इसको करता है। उसके बाद आता है रिव्यू। रिव्यू में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट में भी रिव्यूड बाई ऑल पार्टीज टू इंश्योर दैट इट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग टू द एग्रीमेंट, उन्हें जो भी एग्रीमेंट बताया गया था क्या उस एग्रीमेंट के अनुसार सारी चीज़ें की गई है फाइनली या नहीं किया गया है, साइन करने से पहले एक बार फिर से चेक किया जाता है। उसके बाद साइन किए जाते हैं, साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड बाई ऑल पार्टीज, जब रिव्यू कर लेता है यानी दोबारा चेक कर लेता है कि नहीं भाई सारी चीज़ें सही है, तो उसके बाद उसको फाइनली साइन करता है। एग्जीक्यूशंस वन द कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है जितने भी पार्टीज़ होते हैं, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन के अंतर्गत काम दिया गया है, वो अपना काम करने में जो है जुट जाते हैं, काम करने लगते हैं। तो आई होप कि आज का ये जो सेशंस था, कॉन्ट्रैक्ट एडवांटेज टाइप्स और डॉक्यूमेंट और प्रोसीजर से रिलेटेड, वो आपको जो है समझ में आ गया होगा। रोल ऑफ लेबर इन सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग फील्ड्स में लेबर का क्या रोल है, क्या महत्व है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। द रोल ऑफ लेबर इन सिविल इंजीनियरिंग इज क्रूशियल, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज हैविली रिलाइज ऑन लेबर टू अकम्प्लिश वेरियस टास्क रिलेटेड टू बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स, रोड, ब्रिज और अदर पब्लिक वर्क्स प्रोजेक्ट्स। इन सिविल इंजीनियरिंग projects involve a wide range of activities from site preparations, grading of excavations, concrete pouring, steel reinforcement. तो लेबर का जो काम है या फिर रोल कह सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई लेबर ना रहे तो जो कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहे हैं, जो सिविल इंजीनियर के द्वारा करवाया जा रहा है, वो संभव नहीं है। इसमें कई सारे काम आते हैं, जैसे आपका स्ट्रक्चर्स बनाना हो, बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स हो, रोड्स बनाना हो,
ब्रिज बनाना हो या कोई अनदर प्रोजेक्ट जो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, तो उसमें लेबर की ज़रूरत पड़ती है। क्यों लेबर की ज़रूरत पड़ती है? ताकि वो जो है साइट पे, मान लो कि मिट्टी की खुदाई करना है तो खुदाई करेगा, मान लो कि कंक्रीट पोरिंग करना, मान लो कि खुदाई कर लिए, अब कंक्रीटिंग करना है, कॉलम बनाना है, तो उसमें कंक्रीट कौन ला कर ढोकर देगा? इंजीनियर थोड़े ना ला कर देगा, तो वो उसके लिए भी लेबर की ज़रूरत है। मान लो रेनफोर्समेंट काटना है या उसको एडजस्ट करना है, अरेंज करना है, तो उसके लिए भी लेबर की रिक्वायरमेंट होगा। लेबर बहुत ज़रूरी है सिविल इंजीनियरिंग फील्ड्स में, चाहे कैसा भी काम हो, ज़रूरी है आपका लेबर। बात किया जाए लेबरर का रिस्पॉन्सिबल, जो है रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कैरिंग आउट द मोस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ ऑन कंस्ट्रक्शन साइट। कंस्ट्रक्शन साइट पे जितने भी काम होते हैं उसमें से कई सारे काम सिर्फ लेबर के द्वारा ही किया जाता है। दे ऑपरेट हैवी मशीनरी, जो मशीन्स होते हैं जैसे एक्सकेवेटर्स, बैक हुक्स, बुलडोजर्स, क्रेन्स, ये सभी जो हैवी मशीनरीज हैं इसको भी ऑपरेट करने के लिए लेबर की ज़रूरत पड़ता है। मानते हैं कि कुछ स्किल लेबर की ज़रूरत पड़ती है तो कुछ अनस्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ती है, बट लेबर तो दोनों ही हैं, ठीक है। दे ऑल्सो इंस्टॉल एंड मेंटेन टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर सच एज स्कैफोल्डिंग और फ्रेमवर्क। स्कैफोल्डिंग और फ्रेमवर्क जो कि टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर्स है, उसको इंस्टॉल करना, मेंटेन करना, ये भी लेबर का ही काम होता है। इन एडिशन टू ऑपरेट मशीनरीज, लेबरर्स ऑल्सो परफॉर्म मैनुअल लेबर्स सच एज डिगिंग ट्रेंच, पेइंग पाइप, लेइंग पाइप्स, पोरिंग कंक्रीट्स, ये सभी जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। दे मे ऑल्सो असिस्ट स्किल्ड वर्कर्स, जो कि मैंने आपको बताया कि कुछ स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है, कुछ अनस्किल्ड वर्कर की ज़रूरत पड़ती है। स्किल्ड वर्कर्स में बात किया जाए तो इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, प्लम्बर, ये जो है मटेरियल्स और टूल्स की मदद से हम जो है अलग अलग इक्विपमेंट्स, अलग अलग ऑपरेशंस ऑपरेट करते हैं। किनके द्वारा किया जाता है? कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर के द्वारा, जो कि स्किल्ड लेबर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं। द सक्सेस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, अगर सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट सक्सेस हो रहा है तो उसमें लार्जली डिपेंड करता है क्वालिटी और इफ़िशियंसी ऑफ लेबर फोर्स। लेबर फोर्स का इफ़िशियंसी और क्वालिटी कैसा रहा है उसके बेसिस पे ही जो है सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट जो होते हैं वो लार्जली डिपेंड करते हैं उसकी सफलता का। स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस लेबर कैन इंश्योर डैट कंस्ट्रक्शन वर्क इज कम्प्लीटेड ऑन टाइम विद इन बजट वाइल मेंटेनिंग द रिक्वायर्ड सेफ्टी एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। अगर स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड कोई लेबर है तो वो जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क किए जा रहे हैं वो टाइम पे ख़त्म होगा और जो बजट दिए गए हैं उस बजट के अंदर जो है पूरा कर लिया जाएगा और सेफ्टी और क्वालिटी को भी जो है मतलब मेंटेन रखते हुए। बट वही अगर स्किल्ड या एक्सपीरियंस्ड पर्सन नहीं रहेगा तो ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करेगा, करेगा, बट कब वो काम पूरा होगा, कब कंस्ट्रक्शन पूरा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इन कंट्रास्ट, इन एक्सपीरियंस्ड एंड पुअरली ट्रेंड लेबरर्स कैन रिजल्ट इन डिले, एक्सीडेंट्स एंड कॉस्टली मिस्टेक्स। ये जो है ये होगा अगर स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड लेबर नहीं रहेगा तब। ओवरऑल एक बात किया जाए, एक व्यू की बात किया जाए तो लेबर प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन सिविल इंजीनियरिंग एंड सक्सेस ऑफ एनी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट डिपेंडिंग हैवीली ऑन क्वालिटी एंड एक्सपीरियंस ऑफ लेबर फोर्स। बिल्कुल बात सही है, जो भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है सिविल इंजीनियर का उसमें लेबर का इम्पॉर्टेंट रोल होता है, अगर लेबर ना हो तो वो काम ही पूरा नहीं होगा। चलो ये तो जो टेक्निकल टर्म्स के फॉर्म में थे ये आपको मैंने समझा दिया। आप खुद सोचो ना, आप अपना घर तो बनवाए ही होंगे, क्या घर आप अकेले बना लिए? ऐसा तो नहीं है कि आप अकेले घर को बना लिए, नहीं, उसके लिए
कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ा होगा। हो सकता है कि आप कुछ काम कर सकते होंगे या किए होंगे, हो सकता है एज ए लेबर के तौर पे आप काम किए होंगे, या एज ए मिस्त्री जो ईटा वगैरह या कॉलम वगैरह बना रहा है, मिस्त्री के तौर पे आप काम करें, किसी तरीके से आप उसमें पार्ट लिए होंगे, लेकिन पूरा का पूरा आप ही काम नहीं किए होंगे। आपको लेबर की ज़रूरत पड़ा होगा, मिस्त्री की ज़रूरत पड़ा होगा, इंजीनियर्स की भी ज़रूरत पड़ा होगा अगर आप डिज़ाइन प्रॉपर डिज़ाइनिंग के साथ घर बना रहे होंगे तब, ठीक है। तो लेकिन फिर भी मिनिमम आपको लेबर तो ज़रूरत है ही, कैसा भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो, कैसा भी कंस्ट्रक्शन वाला काम हो, उसमें लेबर की ज़रूरत है, बिना लेबर का संभव ही नहीं है। क्वेश्चन है कि अनसिट्रल लॉ क्या है, उसका एडवांटेज क्या है और उसके क्या स्कोप्स हैं, उसके बारे में हम लोग जो है आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अनसिट्रल। अनसिट्रल का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। अनसिट्रल इज ए बॉडी, एक बॉडी है यूनाइटेड नेशंस का जो हार्मोनाइजेशंस, जो वर्क जो होता है प्रमोट करता है हार्मोनाइजेशंस और यूनिफैक्शंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, है ना। एक देश से दूसरे देश में जो ट्रेडिंग होते हैं, बिजनेसेस होती हैं, कोई सामान ले जाना है या लाना है, है ना, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी से, तो उन सभी पे किसकी नियम चलती है, तो अनसिट्रल जो लॉ मॉडल है वो जो है काम करता है। एडवांटेज की बात किया जाए अनसिट्रल लॉ की, तो अनसिट्रल लॉ का जो एडवांटेज है वो है कि ये यूनिफॉर्म्स सेट ऑफ रूल्स जो है प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, जो कि आसान होता है फॉर बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट्स टू इंगेज इन क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन, है ना। क्रॉस बॉर्डर मैंने एक देश से दूसरे देश में मान लो कि कुछ ट्रांजेक्शंस करने हैं, बिजनेसेस करनी है गवर्नमेंट को या किसी को भी बिजनेसेस करनी है, तो उसमें ये जो नियम है ये लायबिलिटी जो है प्रोवाइड करता है और लोग जो है इसे अपनाते हैं, जो भी नियम्स होते हैं इसके उसके अनुसार जो है काम करते हैं। द रूल्स आर डिज़ाइन टू बी फेयर एंड बैलेंस्ड, टेकिंग इनटू अकाउंट द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ ऑल पार्टीज, जितने भी पार्टीज होते हैं उन सभी के इंटरेस्ट के बेसिस पे ये जो है वर्क किया जाता है, ठीक है। और जितने भी नियम कानून लगाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उससे बिजनेसेस को कंट्रोल और बेहतर करने को लेकर जो है किया जाता है, ताकि जो डिस्प्यूट्स वगैरह हैं वो जनरेट ना हो बिजनेस करने के दौरान। स्कोप की बात किया जाए अनसिट्रल लॉ की, तो ये ब्रॉड एंड कवर करता है डिफरेंट एरियाज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को, जो कि इंटरनेशनल कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल सेल्स ऑफ गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ये सभी जो है बिजनेसेस इन सभी में किया जाता है और इन सभी एरियाज में ये जो लॉ है ये वैलिड होते हैं। अनसिट्रल लॉ जो है ये रिकॉग्नाइज करता है और अप्लाइड होते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, या कह सकते हैं मैक्सिमम कंट्रीज़ में वर्ल्ड के अप्लाई होते ही हैं, मेकिंग इट एन इम्पॉर्टेंट टूल्स फॉर इंटरनेशनल बिजनेस एंड ट्रेड, है ना। इंटरनेशनल बिजनेस और ट्रेड में इम्पॉर्टेंट रोल जो है निभाता है।